वाइस और जब अखज़ल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने अखज़ा का मतलब होता है लेना अल्लाहु अल्लाह का लफ्ज़ यहाँ फाइल है अल्लाह ताला ने लिया मीसाक नबीयीना अहद नबियों से मीसाक का लफ्ज़ जो है ये अल्लाह की कसम खाकर पुख्ता वादा करने के लिए आता है मीसाक उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मीसाक मदीना मीसाक लखनऊ वसूक का लफ्ज़ भी इसी से होता है मीसाक पुख्ता अहद लिया अन्नबीयीना नबियों से लमा के अलबत्ता जो आतैतुकुम मैं दूं तुम्हें आतैतु मैं दूं कुम तुम्हें मिन किताबिन किताब में से व हिकमतिन और हिकमत में से मिन किताबिन व हिकमा किताब और हिकमत में से मैं जो तुम्हें दूं सुम्मा फिर जाअकुम आ जाए तुम्हारे पास जीम या हमजा इसका रूट है जा यजीउ आ जाना जाअकुम आ जाए तुम्हारे पास रसूलुन कोई एक रसूल मुसद्दिकन मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला हो रसूलुम मुसद्दिकुन दोनों मिलके ये मुरक्कब तौसीफी बन जाता है तस्दीक करने वाला रसूल ऐसा रसूल कोई तुम्हारे पास आए जो मुसद्दिक हो जो तस्दीक करने वाला हो किस चीज की लिमा उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है तुम्हारे साथ है पहले से तुम्हारे पास जो भी कोई किताब हो उसकी तस्दीक करने वाला हो लतुमिनुन्ना तो जरूर तुम ईमान लाना आमना यूमिनु होता है ईमान लाना उससे है यूमिनुना फिर हाजिर का सीगा जमा का बना तुमिनुना और उसमें नून मुशद्दत का इजाफा हुआ तो वो बन गया लतुमिनुन्ना और शुरू में भी लामे ताकीद यानी ताकीद पर ताकीद है फिर तुम क्या करना जब तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तुम्हारे पास जो किताब है पहले से उसकी तस्दीक करने वाला हो तो तुमने क्या करना है लतुमिनुन्ना अलबत्ता तुम जरूर पर जरूर उस पे ईमान लाना वाला तंसु बिही उस पर वाला तंसुरुन्नहु और जरूर तुम मदद करना उसकी ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है नासारा यंसुरु से फिर उसकी जमा यंसुरुना फिर तंसुरुना फिर तंसुरुना में नून मुशद्दत से वो बन गया तंसुरुन्ना शुरू का लाम लामे ताकीद हु जमीर है उसकी किसकी उस नबी की जो जो तुम्हारे पास आए तस्दीक करता हो जो ठीक है वाला तंसुरुन्ना हो और जरूर बजरूर तुम उसकी मदद करना पाला फरमाया किसने अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आ अकरर तुम ये जो आ है शुरू में हमजा इसे कहा जाता है यानी सवाल के लिए है ये ठीक है इस्तफाम के लिए क्या अकरर तुम ने इकरार किया ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं क्या तुमने इसका इकरार कर लिया अकर्रा यकुर्रु से अकरर तुम क्या तुमने इकरार कर लिया व अखज़ तुम और तुमने ले लिया अखज़ याखुज़ से अला ज़ालिकुम इस पर इसरी मेरा पुख्ता अहद या तो है आना के लिए मुतकल्लिम के लिए इसरुन का लफ्ज कहाँ पड़ा है आपने इससे पहले वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता हो वो क्या था बोझ और यहां पे हम इसका तर्जमा कर रहे हैं पुख्ता अहद
इसका मतलब भारी बोझ भी होता है, जिम्मेदारी भी, वादा भी, पुख्ता वादा भी। यानी जो वादा होता है ना पुख्ता है, वो भी एक भारी जिम्मेदारी होती है, एक भारी बोझ होता है। इसरी मेरा पुख्ता अहद। कालू, तो उन्होंने कहा, अकरना, हमने इकरार कर लिया। ये कौलो इकरार कहाँ हो रहा है भला? ये आलम अरवाह में हो रहा है। जैसे अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों से एक तो वादा लिया था ना तौहीद का, ये अंबिया से अल्लाह ने आलम अरवाह में एक वादा लिया था और एक अहद उनके साथ किया था। तो फिर अल्लाह उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने इस पर मेरा पुख्ता अहद ले लिया? कालू, उन्होंने जवाब दिया, अकरना, हमने इकरार कर लिया। काला, फरमाया, तो फिर फशहदु, तुम सब गवाह रहो। वा आना, और मैं खुद भी, माकुम, तुम्हारे साथ, मिनशाहिदीन, गवाहों में से हूं। अभी इसकी एंड पे इंशाल्लाह थोड़ी सी और वजाहत करेंगे अगली आयत। फमन, फिर जो कोई, तवल्ला, फिर गया। तवल्ला या तवल्ला का मतलब होता है फिर जाना। तवल्ला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। फिर जो कोई फिर गया, बाद ज़ालिका, इसके बाद, किसके बाद? इस अहदो पैमान के बाद। फ़ाउलाइका, तो वही लोग। अब जाहिर है ये अहद अल्लाह ने अंबिया से लिया था, तो अंबिया के थ्रू उनकी उम्मतों से भी हो गया। तो जिन लोगों ने उस वादे को पूरा नहीं किया, फ़ाउलाइका, तो वही लोग, हुमुल फासिकून, वही नाफरमान। अब बीच में जो हुम है, ये हसर का मफहूम पैदा करने के लिए एक जमीर लाई जाती है। तो यही लोग हैं वो जो फासिक हैं, हुमुल फासिकून, ये लोग वही हैं जो फासिक हैं। जैसे सूरह बकरा के शुरू में पढ़ा था, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही हैं जो फलाह पाने वाले, यहां भी वही हैं जो फासिक हैं। अफा गैरा, क्या भला सिवाय, आ जो है ना ये पूरी तो बात इस तरह से, अफा गैरा दीन इल्लाही या बहुना, क्या भला अल्लाह के दीन के अलावा वो चाहते हैं? तो आ जो है शुरू में ये होता है एक इस तरह से कहना कि जैसे हम क्या कहते हैं, क्या भला ऐसा हो सकता है, क्या भला वो ये चाहते हैं। ये इस्तफहाम इनकारी होता है, इसे कहा जाता है इस्तफहाम इनकारी। अफा गैरा, आ क्या, फा पस, गैरा सिवाय या इलावा, दीनिल्लाही अल्लाह के दीन के, क्या भला अल्लाह के दीन के अलावा, या बहुना, वो चाहते हैं कोई और दीन। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना कि अल्लाह के दीन के अलावा वो कुछ चाहते हैं, यानी कोई और दीन वो चाहते हैं। वलहू, हालांकि उसके लिए है, किसके लिए है? अल्लाह के लिए, हू की जमीर अल्लाह के लिए, वो हालिया। वलहू, और उसके लिए है, असलामा, असलामा युस्लिम इस्लाम। असलामा का मतलब होता है फर्मा बरदार होना, ताबे फरमान होना, सबमिट कर देना, झुक जाना, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर लेना। हम जो मुसलमान हैं, हमें तो इसका मफहूम बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मुसलमान कौन होता है। असलम जो है ना, फर्मा बरदार हो जा, झुक जा, तो ये इस रूट से, सीन लाम मीम के रूट से है ये लफ्ज। असलामा, फर्मा बरदार हुआ, मन, जो भी, फिस समावाती, आसमानों में है, समाओं की जमा समावात, फिस समावाती, आसमानों में है, वल्लर्जी, और जमीन में है, तौअन, खुशी से। ये अतात का रूप भी इसी से होता है कि अतात करना क्या है, दिल की रजामंदी से हुक्म बजा लाना, खुशी से कोई काम करना। वकरहन, जाना खुशी से, करहन का मतलब है मजबूरन,
खुशी से चाहे कोई हो उसके सामने झुका हुआ या मजबूरन झुका हुआ हो, झुका हुआ तो है। वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्जी, जो कुछ भी जमीन व आसमान में है उसके आगे झुका हुआ है, तौवम व करहन, खुशी से या ना खुशी से, व इलैही और उसी की तरफ, युरजाउन सब लौटाए जाएंगे, ये मजहूल है, लौटाए जाएंगे। कुल आप कह दीजिए, आमन्ना हम ईमान लाए हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और जो, उन्जिला उतारा गया, अलैना हम पर, वमा और जो, उन्जिला उतारा गया, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम पर। अब पर मैं हर एक दफा क्यों कह रही हूँ, वो एक ही अला जो है वो सबके लिए है, अला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका व याकूबा वल असबाती और उनके औलाद पर। असबात का जो लफ्ज़ है ना, ये सिब्त से की जमा है, असबात पहले भी हम पढ़ चुके हैं, औलाद यकूब के लिए ये लफ्ज़ आया था और यहाँ पे भी औलाद यकूब के लिए ही है, यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए। लेकिन जो सिब्त का लफ्जी मफहूम होता है ना, वो सिब्त कहते हैं बेटी की औलाद को, सिब्त नबी सुना होगा आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलाद। तो इसके अलावा ये लफ्ज़ कबाइल के लिए भी बोला जाता है, तो हो सकता है यहाँ पे यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से तो सिर्फ हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं 12 के बेटों में से जो नबी बने थे, और बाकी हो सकता है कि यहाँ इससे मुराद कबाइल बनी इसराइल भी हो या उनकी औलाद भी हो, तो दोनों मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। वमा और जो, ऊतिया दिया गया, ये भी मजहूल है, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, व नबीयूना और नबियों को, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, नहीं हम फर्क करते, बैना आहदिन किसी एक के दरमियान, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम, लहू उसके लिए, मुस्लिमून फरमा बरदार हैं, वही असलामा रूट सीन लाम मीम वाला, मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। वमन और जो कोई, यब तगी तलाश करे, चाहे इब्तगा यब तगी इब्तगाउन, गैर अल इस्लामी इस्लाम के अलावा, दीनन कोई और दीन, फलन तो हरगिज नहीं, मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल नफी के लिए आता है, नन हरगिज नहीं, युक्बाला कबूल किया जाएगा, मिनहु उससे, वहुआ और वो, फिल आखिरती आखिरत में, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से होंगे होगा वो। अब आते हैं वापस जहां से हमने शुरू किया था, थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं। वाइज अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीना, और जब लिया अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद नबियों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, अलबत्ता जो मैं दूं तुम्हें किताब व हिकमत में से, सुम्मा जाअकुम रसूलुन फिर आ जाए तुम्हारे पास ऐसा रसूल, जो मुसद्दिकुल लिमा मअकुम तस्दीक करने वाला उस किताब की जो तुम्हारे पास है, लतूमिनुन्ना बिही अलबत्ता तुम जरूर ब जरूर ईमान लाना उस पर, वलतंसुरुन्नहु और जरूर मदद करना उसकी। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, आला अकरार तुम क्या तुमने इकरार कर लिया, व अखस्तुम अला ज़ालिकुम इस्री और तुमने ले लिया इस पर मेरा जिम्मा, यानी मुझे जामिन ठहरा लिया। कालू अकररना तो उन्होंने कहा हमने इकरार कर लिया, काला तो फरमाया फशहदू गवाह रहो, व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ।
ये जो अहद लिया था अल्लाह ताला ने आलम अरवा से, अम्बिया से ये अहद लिया था, तमाम नबियों से अल्लाह ने, जिनको नबी बनाना था, ज़ाहिर है नबी तो नहीं उस वक्त बने थे अभी आलम अरवा में, जैसे हमसे अल्लाह ने एक अहद दिया था अलस्तु बि रब्बिकुम, तो यानी तमाम अरवा से एक लिया और एक स्पेसिफिकली उन रूहों से अहद लिया जिन्होंने नबी बनना था। उन सब से अहद क्या लिया अल्लाह ने, अल्लाह ने उनसे कहा कि अगर उसकी जिंदगी में और उसके दौरे नबुव्वत में कोई दूसरा नबी आ जाए तो उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना उसके लिए जरूरी होगा। और फिर यही बात अपनी अपनी उम्मतों को भी उन्होंने बताई। जब नबी की मौजूदगी में, अब जरा सोचें, एक नबी की मौजूदगी में आने वाले नए नबी पर खुद इस नबी को ईमान लाना जरूरी है, तो उनकी उम्मतों के लिए तो इस नए नबी पर ईमान लाना और ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, और भी जो जो भी नबी की मौजूदगी में कोई भी नबी या रसूल आया तो उससे अल्लाह ये वादा ले चुका था कि जो रसूल आएगा मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और वो तस्दीक करेगा उस चीज की जो पहले से किताब मौजूद है, तो फिर क्या करना है, तुमने उन पे ईमान लाना है, उसकी मदद करनी है। और यही हर रसूल और नबी जाने से पहले ये बात बता के गया अपनी उम्मतों को भी। ठीक है, और काला आकरार तुम, उस वक्त अल्लाह ने उनसे पूछा कि क्या तुमने इकरार कर लिया, तो उन सब ने कहा कि हमने इस बात का इकरार कर लिया है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि गवाह रहो, मैं अभी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अहद नहीं दिया, और कुरान में और हदीस में कहीं भी हमें नहीं मिलता कि जिस तरह तौरात में है, इंजील में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दे के गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और नबी का जिक्र नहीं किया। ये खत्म नबुव्वत की भी दलील है यार कि कुरान में हमें कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलता। ठीक है, तो अच्छा जी आगे है, फमन तवल्ला, तो जो कोई फिर जाए बाद गालिका, इसके बाद यानी इस अहद करने के बाद जो अल्लाह ताला ने अहद लिया है, इस अहद के बाद अगर कोई इस अहद से फिर जाए, फाउलाइका हुमुल फासिकून, तो ये लोग हैं जो फासिक हैं, यही लोग फिर फासिक हैं, नाफरमान हैं, ना हंजार हैं। अफ़ग़ैर दीनिल्लाह यबगूना, क्या अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं ये? वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअम व करहन, और हालांकि उसके मतीउ फरमान हैं जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में है, जमीन व आसमान की कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की मतीउ फरमान है, अल्लाह ताला के आगे झुकी हुई है। पूरी कायनात देख लें, सूरज चांद सितारे, कोई अपनी मर्जी से सरे मुंह इनहराफ नहीं करता, जो जिसको जो हुक्म मिला वो उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। तो फिर इस्लाम इंसान जो है उसके लिए तो ज्यादा जरूरी है कि वो सबमिट होके रहे, फर्मा बरदार बन के रहे। तौम व करहन के लिए तो उनके लिए है ना, सूरज की मजाल नहीं कि वो मशरक की बजाय मगरिब से तलू हो जाए जब तक कि उसको हुक्म नहीं मिलता। कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, और इंसान जो है इंसान के लिए तो लाजिम है कि वो खुशी से रजा और रग़बत के साथ सबमिट करे अपने आप को। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, मैं राजी हो गया अल्लाह के रब होने पे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना, और इस्लाम के दीन होने पे। व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नबी होने पे। ये तो ये करना चाहिए हमें।
अस्लामा जो है लफ्ज, इस्लाम का लफ्ज जो है, ये हमारे इंसान के अंदर अल्लाह ने एक चीज जो है ना, एक तो हमारे अंदर डाल दी है, फाल हमहा फजूरहा व तक्वाहा, अल्लाह ने डाल दिया है उसके अंदर फिस्को फजूर अख्तियार करने का भी एक उसके अंदर मौजूद है सलाहियत, और तकवा को अख्तियार करने का भी। ये दोनों चीजें इंसान के अंदर अल्लाह ने डाली हुई है। ये डालने के बाद फिर इंसान को एक इख्तियार दिया है, एक इरादा दिया है, एक उसका नफ्स है जो उसे भलाई की तरफ बुलाता है, ठीक है, और एक उस वो होता है नफ्से लवामा जो उसे भलाई करने का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, एक होता है नफ्से अमारा जो बुराई का हुक्म देता है। ये दोनों चीजें इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी हुई है, और फिर उसको ये अख्तियार देने के बाद इंसान से क्या रिक्वायरमेंट है कि वो बुराई को छोड़े और अल्लाह के दीन को बरज़ा और रग़बत कबूल करे, अल्लाह के अहकामात को जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है वैसे करे। जो अल्लाह ने उसे इरादा अख्तियार दिया है, एक तरह से उसको छोड़ देना, उसे कहना या अल्लाह नहीं, मैं अपनी नहीं मानूंगा, तूने मुझे इख्तियार दिया कि मैं अपनी मर्जी चलाऊं, मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, मैं तेरी मर्जी पे चलूंगा। ये जो तेरी मर्जी पे चलना है, ये है इस्लाम, ये है अपने आप को सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना, अपनी मर्जी पीछे करके उसकी मर्जी को अपना लेना, ये इस्लाम है। वलहू अस्लम मन फिस्समावाति वल्अर्सी, पूरी कायनात की हर चीज उसके लिए मतीय फरमान है, तौअन व करहन, चाहे वो खुशी से कर रही है चाहे वो ना खुशी से कर रही है, व इलैही युरजाऊन, और उसी की तरफ सबको लौट के जाना है। कुल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला अलैना, और जो उतारा गया हम पर, वमा उन्ज़िला अला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबीयून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया, और जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर उतारा गया, अल्लाह की तरफ से दिए गए इन सब पर हम ईमान लाए, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम अल्लाह के मतीय फरमान हैं। यानी तमाम सच्चे नबियों पर ईमान लाना कि वो अपने अपने वक्त में अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए, और जो उन पे किताबें और जो सहीफे नाजिल हुए उनके बारे में भी ये अकीदा रखना कि वो आसमानी किताबें थीं, सच्ची किताबें थीं। हाँ, अलबत्ता अमल जो है वो अब सिर्फ कुरान पे ही होगा, क्योंकि कुरान ने पिछली तमाम किताबों को भी मनसूख कर दिया और पिछली तमाम शरीयतों को भी मनसूख कर दिया, और उसमें से वो चीजें कायम रही जो ठीक थी। इस्लाम तो जाहिर है हर नबी का दीन इस्लाम ही था, अगर कुछ बातें उसमें गलत शामिल हो गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको उसमें से निकाल दिया और तस्दीक की पिछले अंबिया की, पिछली किताबों की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ने मुहम्मदी अब हमारे पास छोड़ के गए हैं, ये मुकम्मल हालत में है, अब इसमें कोई किसी कमी बेशी इसमें नहीं है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस आयत के नजूल के बाद दीन इस्लाम की तकमील का जो सर्टिफिकेट मिल चुका है हमें, अब इसमें कोई नई चीज की ना जरूरत है, ना किसी नई नबी या रसूल की जरूरत है, और ये दीन अब कयामत तक के इंसानों के लिए है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि दीन एक ही है और यही दीन है जिससे सबको कबूल करना है। अफ़ग़ैर दीनिल्लाह यबगूना, कि अल्लाह इस दीन को छोड़ के तुम कोई और दीन अख्तियार करना चाहते। और फिर कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक और आयत है, वमन यब्तगी गैर अल इस्लाम दीन फलन युक़बल मिन्हु,
जो दीन इस्लाम को छोड़ के, बल्कि आज ही ये तो आज ही हमने पढ़ ली है ना, अगली आयत है, वमन यब्तगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहु फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो इस्लाम को छोड़ के कोई और दीन अख्तियार करेगा फलन युक़बल मिन्हु उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वहु फिल आखिरति मिनल खासिरीन और वो आखिरत में खसारा पाने वाले होंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का एक कलादा जब तक हम अपने गले में नहीं डालते तो हमारा कोई अच्छा अमल भी काबिले कबूल नहीं है, और इस दीन के रस्ते पे चलते हुए जो हम नेक अमाल करेंगे वो हमारे अमाल वही कबूल किए जाएंगे, वही जो हमारा अमल है काबिले कबूल होगा जो दीन इस्लाम पे चलते हुए हम करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस रस्ते में करने वाले हमारे सारे कामों को कबूल करे, और कुरान हकीम पढ़ने पढ़ाने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये हमारे इस कुरान क्लास में अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, कोई कोताहियां हो जाती हैं, कोई टंग स्लिप हो जाती है बाज़ोकात कोई नादानिस्तगी में मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन छोटी छोटी गलतियों और कोताहियों को दरगुजर फरमाए और हमारी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए, और हम सब जो इस क्लास में शामिल हैं उनके इल्म में अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।